परमात्मा कहता है जब आप कुछ करोगे तो मैं कुछ करूंगा, और जब तक तुम ही कुछ नहीं करोगे तो मैं तो कुछ करने ही नहीं वाला हूं। मतलब चाबी आप ही के हाथ में। दरवाजा कहता है तुम, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, मैं लोहे का दरवाजा हूं। लेकिन दरवाजा कहता है मैं कितना भी विशाल क्यों ना हूं, चाबी मेरी छोटी सी है और वो तुम्हारे ही हाथ में है। सो हर दरवाजा खुलेगा क्योंकि चाबी किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में। एंड दैट इज वेरी ब्यूटिफुल।
हाँ जी, प्रैक्टिस बहुत करनी है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। सीखना 5 मिनट है, प्रैक्टिस 5 घंटे करना है। मेरे टीचर कहते थे एक स्पीच की प्रैक्टिस अगर आप 1 घंटे के लिए करना चाह रहे हो तो 100 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। कितनी देर की? 100 घंटे। मतलब आपने 1 घंटे की स्पीच है या 1 मिनट की स्पीच है, बार बार 100 बार 1-1 मिनट की प्रैक्टिस आपको करनी है, 100 times मिनिमम। वाई? बिकॉज योर एम इज नॉट टू बिकम ऑर्डिनरी, योर एम इज टू बिकम, एंड दिस इज हाउ यू डील विद इट। सो स्टेज का बोलते समय ये पूरा स्टेज का यूटिलाइजेशन करना है। क्या? बोलते समय पूरे स्टेज का यूटिल। तो अभी जब नेक्स्ट प्रैक्टिस आप करेंगे तो बोलने वाला मान लो यहां है, खड़े होने वाले आपकी टीम वाले इधर है, तो ये पूरा एरिया जो है ये एक स्टेज होगा। तो लीडर को फीडबैक देना है, थोड़ा मूवमेंट करिए, ओके, थोड़ा और ज्यादा आप आगे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए, स्टेज को यूज कीजिए। ये सारी चीजें कई बार स्टेज पे होती है। बोर्ड यूज कीजिए, बोर्ड यूज करने के बाद वापस ऑडियंस से कनेक्ट कीजिए। ये सारी चीजें आपको बोलते बोलते करनी है। मतलब यू मस्ट प्रैक्टिस द होल स्टेज यूटिलाइजेशन। जब मैं बोलूं 1 2 3 दोनों के लिए बोल दीजिए यू रॉक। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप में से कई लोगों ने आके छोटी छोटी मेरे से आपसे कईयों की मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं, परमात्मा कहता है जब आप कुछ करोगे तो मैं कुछ करूंगा, और जब तक तुम ही कुछ नहीं करोगे तो मैं तो कुछ करने ही नहीं वाला हूं। मतलब चाबी आप ही के हाथ में। दरवाजा कहता है तुम, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, मैं लोहे का दरवाजा हूं, लेकिन दरवाजा कहता है मैं कितना भी विशाल क्यों ना हूं, चाबी मेरी छोटी सी है और वो तुम्हारे ही हाथ में है। सो हर दरवाजा खुलेगा क्योंकि चाबी किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में है। एंड दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। पब्लिक स्पीकिंग को दवाई की तरह यूज करो, जो हर चीज में आपको हेल्प करेगी, हर जगह पर।